वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ आशीष। तो आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक नई मूवी जिसका नाम है इन द टॉल ग्रास। ये मूवी बेस्ड है स्टीफन किंग की नॉवल द इन द टॉल ग्रास पर, और स्टीफन किंग और जियो हिल दोनों ने मिलकर लिखा है। तो ये मूवी आप लोगों को देखनी चाहिए या नहीं, ये सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो हमारे चैनल अरहान एंटरटेनमेंट को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही जो वीडियो है उसको लाइक करें, और वीडियो के लिंक जितना हो सके आप लोग शेयर कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो इस मूवी में हमें नजर आते हैं पैट्रिक विल्सन, लाइसा डी ओलिविया, हैरिसन गिलबर्टन, एवरी विटर्ड, रिचर्ड विल्सन और विल ब्लू जूनियर। इसे डायरेक्ट किया है विंसेंजो नटाली ने। कहानी शुरू होती है बेकी और कार्ल से। बेकी और कार्ल दोनों की भाई बहन होते हैं, वो सैन डिएगो की तरफ जाते रहते हैं, लेकिन रास्ते में बेकी को वॉमिट आती है। वॉमिट के लिए वो एक ऐसी जगह पर रुकती है जहाँ पे घास के बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं। तो बेकी को घास में से एक बच्चे की आवाज आती है, जिस बच्चे का नाम होता है टॉबिन। वो हेल्प के लिए पुकारता है, लेकिन बेकी सोचती है यार मतलब इतने बड़े ग्रास में किस तरीके से जाए, क्योंकि कभी कुछ हो गया, कुछ खतरा हो सकता है। तो लेकिन जो उसका भाई होता है कार्ल, वो इस बारे में सोचता नहीं, वो बिना किसी सोचे समझे उस घास में घुस जाता है, और मजबूरन बेकी को भी इसके पीछे जाना पड़ता है। तो उसके बाद हमें पता चलता है कि सिर्फ टॉबिन यानी वो लड़का ही उस घास में वही नहीं घुमाता, उसके पेरेंट्स यानी कि उसके मॉम और डैड भी थे। उसके डैड का यहाँ पे रोल प्ले किया है पैट्रिक विल्सन ने। और फिर उसके बाद इस मूवी में क्या कुछ होता है, और एक ऐसा ट्विस्ट जो इसके मूवी के स्टार्ट के थोड़ी देर के बाद ही पता चलता है। तो वो ट्विस्ट होने के बाद आप लोग ये सोचोगे कि ये ऐसा हुआ कैसे, क्योंकि जब ये मैं मूवी देख रहा था तो मैं भी यही सोचा कि यार एक्चुअली ये चीज कैसे हो गई, ये थोड़ा मेरे समझ के बात। और इसी वजह से मुझे पूरी मूवी देखनी पड़ी। हालांकि जिस मूवी का कॉन्सेप्ट है बहुत हटके अलग है, लेकिन लोगों के लिए काफी फनी भी लगा, क्योंकि इस तरीके का जो घास वाला जो कॉन्सेप्ट है, घास में कौन घूम जाता है यार, और घूमता भी तो मतलब दो दो दिन, तीन तीन दिन, कुछ तो छह छह महीने तक उसमें ही रहते। मुझे ये चीज थोड़ा अलग हटके लगी, तो इस वजह से मैं सोचा कि इसका रिव्यू किया जाए, क्योंकि अगर आप ये मूवी देखोगे ना, आपको वो घास का जो कॉन्सेप्ट है आपको थोड़ा हंसाएगा, लेकिन उसके बाद आपको इस मूवी में इंटरेस्ट बिल्ड होगा, ऐसा नहीं है। और ये मूवी एकदम ज्यादा अच्छी भी नहीं, मुझे सिर्फ एक एवरेज मूवी ही लगी, क्योंकि इसका लेंथ ज्यादा नहीं था, इस वजह से ये वॉचेबल है। अगर आप लोग नेटफ्लिक्स सब्सक्राइब करते इस मूवी को जरूर देखना, क्योंकि इस मूवी में जिस तरीके का कॉन्सेप्ट अच्छा, लेकिन जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस मुझे सभी की अच्छी लगी, चाहे वो बच्चा जो टॉबिन का रोल प्ले किया बिल जेट ने उसका परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा, और पैट्रिक विल्सन तो एज यूजुअल जो उनका परफॉर्मेंस होता ही, उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, थोड़ा नेगेटिव साइड है, लेकिन फिर भी अच्छा लगा मुझे। उसके अलावा दूसरे जितने भी सपोर्टिंग कास्ट है, चाहे वो बेकी का किरदार निभाने वाली लेडी होगी, चाहे वो कार्ल का, चाहे वो ट्रेविस का, तो उसमें जितने भी लगे ना मुझे पर्सनली अच्छे परफॉर्मेंस लगा, और डायरेक्शन भी मुझे ओके लगा। लेंथ के हिसाब से मुझे थोड़ा खटकरी नहीं थी, मतलब कम लेंथ थी तो इंजॉयबल हो रही थी। हाँ, लेकिन जो घास वाला कॉन्सेप्ट है वो काफी फनी कॉन्सेप्ट लगा मुझे, क्योंकि इस तरीके का इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी मेकर्स लोगों ने बना दिया, क्योंकि ये बहुत ही फेमस नॉवल के ऊपर बनी, और स्टीफन किंग की नॉवल तो आप लोगों को पता है उनके ऊपर बनाई गई फिल्में कितनी हॉरर, कितनी सुपरहिट होती है। तो ये भी कुछ अलग हटके है, और मुझे पर्सनली अच्छी एवरेज ही लगी, मतलब वॉचेबल लगी, कहीं पे भी बोर नहीं हुआ मैं। तो अगर आप लोग को ये मूवी देखना तो आप इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। ये हिंदी में नहीं है, ये आपको इंग्लिश में मिलेगी, लेकिन कुछ ऐसा ऐसी भी इंग्लिश नहीं जो आप लोग को समझ में आया, बहुत सिंपल है, सबटाइटल भी नीचे चलता है। तो अगर आप लोग देखना चाहो तो यार इस मूवी को देख सकते हो, और अगर ऑलरेडी देख चुके हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो यार मेरा तो इस वीडियो में इतना ही कहूंगा कि इस मूवी को जरूर देखो। और हाँ, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, और यार सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। तो मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। दिलदार।